महेवा मंडी में दो व्यापारी द्वारा ओवररेटिंग की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बुधवार को मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव को जांच सौंपी थी। जांच में ओवररेटिंग की शिकायत सही पाई गई, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दोनों व्यापारियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, मैं अंकुश श्रीवास्तव मंडी निरीक्षक गोरखपुर। देखिए, मैंने जांच रिपोर्ट दे दी है जिसके आधार पर दोनों फर्मों का लाइसेंस निलंबित हो गया है और सुल्तान एंड कंपनी है और एक राकेश कुमार सुशील कुमार एंड कंपनी थी। ये सभापति सिटी मजिस्ट्रेट ही होते हैं, उन्हीं के आदेश पर निलंबित हो गया। सचिव महोदय संस्तुति करते हैं, मेरी रिपोर्ट लगती है। सभी लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि यदि ओवररेटिंग होती है तो इसी प्रकार से अन्य पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे समय में जो कि एक सामाजिक जो है आवश्यकता भी है, लोग जो है कालाबाजारी या इस तरह की जमाखोरी से बचें, अपना सामाजिक दायित्व भी निर्वहन करें और अधिक मूल्य पर न बेचकर समाज का भी भला करें, यही मेरी लोगों से अपील है, व्यापारी बंधुओं से। देखिए, सुबह यहाँ पे 6 बजे करीब मंडी समिति के अधिकारी और जो भी यहाँ पे मंडी का संघ है उसके अध्यक्ष मंत्री और पे जो संबंधित लोग उनके साथ बैठ के रेट डिसाइड होता है, वही रेट सर्कुलेट किया जाता है मीडिया के माध्यम से और अन्य ग्रुप के माध्यम से जनता के बीच में कि इस रेट से ज़्यादा सब्जी नहीं बिकनी चाहिए। परंतु दो थोक व्यापारी जो थे वो करेला और बैगन इससे ज़्यादा रेट पर बेच रहे थे, तो शिकायत मिलने पर तत्काल इसकी जाँच मंडी स्पेटस कराई गई और जाँच प्रथम दृष्टि सही पाई गई तो तत्काल उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और आगे इसकी कार्रवाई जो भी आगे जाँच कराई जा रही है उस पर अगर ये सही पाया जाएगा तो और आगे कार्रवाई की जाएगी।